बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में अब हम डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक पे आए हुए हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करने के अलावा अब हम जो है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इन डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो है 3.6। एक्सरसाइज 3.6 के हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो हैं उनको, यानी कि उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे या डिफरेंट क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर में देखे हैं इसके पार्ट वन में। ठीक है, अब ये 3.6 का पार्ट टू है तो हम 15 से नेक्स्ट मतलब कि 16 से स्टार्ट करते हैं और इसमें देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या डिफरेंट क्वेश्चन हैं वो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमें फंक्शन गिवन है वो है कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा है और उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और उस पर हमें जो लिमिट की वैल्यू गिवन है जीरो से, लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट क्या है पाई बाय सिक्स है। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफरेंट था तो इस वजह से मैंने इसको क्वेश्चन को चूज किया यहाँ पर। तो चलें इसको हम आप सॉल्व करते हैं। कॉस क्यूब थीटा को कैसे इंटीग्रेट करें? ठीक है, या तो साथ में इसका डेरिवेटिव भी मौजूद नहीं है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि आते हैं आपके पास फंक्शन उसमें क्या होता है, या तो सिंगल पावर हो तब तो हम डायरेक्टली उसको लिख लेते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब पावर्स में आ जाते हैं ये इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब हम क्या करते हैं, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज करते हैं। ठीक है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ ऐसा करते हैं कि कॉस क्यूब थीटा को पहले तो ब्रेक करते हैं डिफरेंट पावर्स में। सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ में उसकी जो लिमिट्स हैं बाकी चीज़ें एज इट इज हम उतार लेते हैं जीरो से पाई बाय सिक्स और इंटीग्रेट हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वेयर थीटा मैंने क्यों लिखा, कॉस स्क्वेयर थीटा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कॉस स्क्वेयर थीटा की हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के। तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा और साथ में कॉस थीटा मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और जीरो से पाई बाय सिक्स तक सेम लिमिट और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, अब हमने ये कर लिया कि कॉस स्क्वेयर की जगह वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा यूज कर लिया। अब हम ऐसा करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कॉस थीटा जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वन के साथ भी और साइन स्क्वेयर थीटा के साथ भी, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चले मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इंटू वन इज कॉस थीटा और इंटीग्रल वही रहेगा जीरो से पाई बाय सिक्स और डी थीटा की रिस्पेक्ट से और उसके बाद माइनस साइन है। ठीक है, ये देखें माइनस साइन है और फिर से इंटीग्रल साइन जीरो से पाई बाय सिक्स और इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखें बहुत ही आसान बन चुकी है इसकी इंटीग्रेशन। शुरू में पहले फंक्शन को तो आप देखें तो सिंगल है, पावर है। ठीक है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सिंगल पावर है उसकी। तो कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, यानी कि ये किसका डिराइव्ड फंक्शन है, किससे डिराइव हुआ है, किसका डेरिवेटिव लें तो कॉस थीटा आता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव लें तो कॉस थीटा आता है। ठीक है, और इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन थीटा होगी, साइन ऑफ थीटा प्लस सी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और उसके अलावा इस पे लिमिट है जीरो से पाई बाय सिक्स जिसकी वजह से इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन है और साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करें। देखिए, अगर आप साइन स्क्वेयर थीटा को आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा का स्क्वेयर, यानी कि साइन थीटा को यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स डालूँ और इस तरह से होल स्क्वेयर लिखूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना साइन स्क्वेयर थीटा को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर आप ब्रैकेट के अंदर इसको फंक्शन कंसिडर करें, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर तो उसकी पावर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर इसको फंक्शन कंसिडर करें, साइन थीटा एक फंक्शन है तो साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है जो कि कॉस थीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन का जो कि साइन क्यूब थीटा ओवर थ्री बन जाएगा।
ठीक है, और उसके अलावा ये इंटीग्रेशन तो होगी, उसके बाद हमने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है 0 से पाई बाय 6 तक। अब हम इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, मतलब इंटीग्रेट कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले अपर लिमिट यानी कि साइन ऑफ पाई बाय 6 माइनस साइन ऑफ 0, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन पे मैंने इंटीग्रेशन यानी कि लिमिट अप्लाई की माइनस, अब सेकंड पे हम अप्लाई करते हैं। उससे पहले मैं 1/3 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पे अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करेंगे साइन ऑफ पाई बाय 6 का क्यूब माइनस साइन ऑफ 0 का क्यूब, ठीक है। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन ऑफ पाई बाय 6 क्या होता है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास साइन ऑफ पाई बाय 6 इज 1/2, और साइन ऑफ 0 क्या होता है, साइन ऑफ 0 होता है 0 ही होता है, 1/2 माइनस 0 बन गया। इसी तरह से अब हम इस पे भी इसकी भी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ऑफ पाई बाय 6 इज 1/2, और 1/2 का क्या है, क्यूब है, माइनस साइन ऑफ 0 0 होता है और उसका क्यूब है, ठीक है। 0 का क्यूब इज 0 ही रहेगा। अच्छा, 1/2 माइनस 0 इज 1/2, अच्छा इसको आप ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2 का क्यूब लें, अगर 1 का अलहदा से क्यूब होगा 1 ही आएगा, और 2 का अलहदा से क्यूब लें तो आप 8 आता है, 1/8 बन जाएगा। उसके बाद माइनस 0 है तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अच्छा, 1/2 माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 1/24 बन जाता है, क्योंकि 8 3 24 होता है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 और यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 1 यानी कि 11/24 इसका जो है डेफिनेट वैल्यू आती है, इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आप इसे कह सकते हैं, किस फंक्शन की, कॉस ऑफ क्यूब थीटा की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसलिए साथ में डी थीटा लिख देते हैं, और इस पे लिमिट्स जो हैं वो हैं पाई बाय 6 से पाई बाय 4 तक, ठीक है। लोअर लिमिट यानी कि पाई बाय 6 है और अपर लिमिट यहाँ पर पाई बाय 4 है, तो इसको हम इंटीग्रेट पहले करेंगे, देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉस की भी पावर 2 है और कॉट की भी पावर 2 है, तो यहाँ पर हम किसी की भी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा जो पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ हुई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी मौजूद है जो, ठीक है। और इसका इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और लिमिट्स पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 4 तक। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम अलग-अलग इंटीग्रल इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि पाई बाय 6 और अपर लिमिट है पाई बाय 4, इसके साथ डी थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रल लगा लेते हैं, ठीक है, पाई बाय 6 से पाई बाय 4 और डी थीटा ही आ गया। अब हमने ये करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ये है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम कैसे इंटीग्रेट करें, कॉट स्क्वायर थीटा आपको पता है, इसकी जगह भी अब हम जो है वो यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी। कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, आइडेंटिटीज अब आपको आनी चाहिए जो कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसकी आइडेंटिटी है, और
इसके साथ हम लिख देते हैं डी थीटा, और लिमिट्स में लिख देता हूँ पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर तक, उसके बाद माइनस साइन है और इसका इंटीग्रल है पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर। अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? अगर मैं इसको फंक्शन कंसीडर करूँ साइन को, तो क्या ये इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है? नहीं। अच्छा, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ। कॉट किसके इक्वल होता है? कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है, तो कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होगा? कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब कि इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब कि साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसको हमने इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब थोड़ा सिंपल बन गया है, हमारे पास फंक्शन सिंपल आ चुके हैं। इसको भी हम अलग अलग कर देते हैं, मतलब कि ये आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस वन का अलग से डी थीटा, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा की हम इंटीग्रेशन करते हैं वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइड बाई टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो बाकी लिमिट्स वही रहेंगी पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर की, ठीक है। तीनों पे मैं दोबारा से लगा लेता हूँ, पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर, और इस पे भी पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर, और साथ में इसके भी डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब आगे इसको हमने जो है इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करते हैं। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और उसके ऊपर लिमिट्स हैं पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर, माइनस वन का वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा, और इस पर भी लिमिट्स पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर, माइनस अब इस पर भी हम जो है इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। एक तो वन बाय टू अलग हो जाएगा, वन बाय टू इसके ऊपर इंटीग्रल आ जाएगा, वन बाय टू इंटू थीटा आएगा, ठीक है, पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर, और बाकी ये बच जाएगा वन बाय टू इंटू कॉट ऑफ कॉस ऑफ टू थीटा, और कॉस ऑफ टू थीटा की जो है इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन टू थीटा, और वन बाय टू बाहर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम ऐसा करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं माइनस साइन आएगा पहले, तो क्योंकि बाहर माइनस साइन है, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस वन बाय फोर बन जाएगा, क्योंकि वन बाय टू ये वाला, और जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे वन बाय टू उसका भी आएगा, ठीक है, तो वन बाय फोर बन जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ टू थीटा हो जाएगी, साइन ऑफ टू थीटा, और इसका इंटीग्रल पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर। आगे बस आपने लिमिट्स पुट करनी है और उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और कैलकुलेटर से आप उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि अभी तक हमने नहीं किया उस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें फंक्शन जो गिवन है वो क्या है? x माइनस थ्री का मॉड, ठीक है, मॉड वाला क्वेश्चन अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं देखा। इसमें वही थ्योरम यूज होगा, एक थ्योरम जो हम पहले पढ़ चुके हैं। थ्योरम क्या था देखें, चलें पहले थ्योरम की तरफ आ जाते हैं, थ्योरम को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास जो था एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया था वो कैसा था? तकरीबन ऐसा कुछ था ग्राफ, ठीक है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बना सकूंगा यहाँ पे, तो इस तरह कुछ था वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हमने यहाँ से सपोज ये वन था, ठीक है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, हमने क्या एरिया कौन सा कैलकुलेट किया था? हमने ये वन से लेकर थ्री तक का एरिया फाइंड आउट किया था, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए माइनस थ्री से, सपोज ये माइनस थ्री है, माइनस थ्री से थ्री तक तक, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दरमियान में तो एरिया ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं लिमिट्स को। सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन इसकी फाइंड कर रहे हैं माइनस थ्री से थ्री तक की, तो हम इसको क्या करेंगे, किस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से यानी कि लिमिट्स आएंगी?
और जब ग्राफिकली इसको आप देखें तो ये ज़ीरो हो रहा है, किस पे? ज़ीरो पे ही। जब एक्स ज़ीरो है तो उस वक्त मतलब कि इसका ग्राफ एरिया जो है वो भी ज़ीरो हो रहा है। आप इस पे भी पुट करके देख सकते हैं कि माइनस थ्री पे ये माइनस थ्री का स्क्वेयर है, माइनस टू पे माइनस टू का स्क्वेयर है, यानी कि एक्स की वैल्यूज ही है ना ये लिमिट्स जो हैं। तो टू पे जो है माइनस टू पे हो गया, माइनस वन पे हो गया, माइनस वन का स्क्वेयर है, ठीक है, ज़ीरो पे जाके ये ज़ीरो हो जाता है। तो इस वजह से जहाँ पर आपका फंक्शन एज जो जिसकी आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं वो ज़ीरो हो जाए, वहाँ पर उस पे जाकर आपने उस वैल्यू पे जाके कि आपने लिमिट्स को ब्रेक करना है, ठीक है। मतलब कि इसको मैं ब्रेक किस तरह से करूँगा, फंक्शन तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस थ्री से लेकर ज़ीरो तक, ठीक है, प्लस ज़ीरो से लेकर थ्री तक एक्स स्क्वायर डी एक्स, फंक्शन सेम रहेगा अंदर, लेकिन लिमिट्स को हमने ब्रेक कर दिया, माइनस थ्री से ज़ीरो और ज़ीरो से थ्री, और इन दोनों की लिमिट्स अगर इनको ऐड किया जाए तो वही बनता है ना जो हमने थ्योरम भी पढ़ा था कि इसकी लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा और इसकी अपर लिमिट तक जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आपने याद रखना है। या फिर एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज आपके पास एक साइन का फंक्शन है, ठीक है, साइन का फंक्शन इस तरह से है, इस तरह से करके साइन का फंक्शन है, और ये यहाँ पर जो है ज़ीरो है एक्स, यहाँ पर पाई बाय टू है, यहाँ पर जो है पाई है, सपोज कर लें, ठीक है। तो अब हमने एरिया फाइंड करना है, हमने कहाँ से कहाँ का एरिया फाइंड करना है, ज़ीरो से लेकर पाई तक एरिया फाइंड करना है। ज़ीरो से लेकर पाई तक हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया बनता कौन सा है, ठीक है, एरिया ये बनता है ना, ये सारा एरिया आ जाता है, उसके बाद ये एरिया आ जाता है, यानी कि जो रीजन बाउंड कर रहा है, यानी कि जो ग्राफ बाउंड कर रहा है, और ग्राफ और एक्स एक्सिस जो बाउंड कर रहा है रीजन, उसका एरिया, तो ये एरिया बनता है। अब हम इसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, सपोज मैं कहता हूँ ये साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है ना ये, साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ थीटा आप कह सकते हैं इसको, चलो थीटा बोल देते हैं इसको, साइन ऑफ थीटा हमारे पास फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसका एरिया हमने फाइंड करना है, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक का, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो से लेकर पाए तक का हमने एरिया फाइंड करना है और उसका इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसमें क्या है कि ये साइन ज़ीरो हो रहा है, आपको ग्राफ से नज़र आ रहा है कि कहाँ पर, पाए बाय टू पे, बल्कि ये कॉस का ग्राफ आप ले लें, साइन ज़ीरो ज़ीरो है, यहाँ पर पाई बाय टू है, ठीक है, यहाँ पर पाई बाय टू आता है, पाई बाय टू, और यहाँ पर टू पाई आता है, ठीक है, इस लिमिट को थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन थी लिमिट्स में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये क्योंकि साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है और पाई बाय टू पे वन होता है, ठीक है, ये आपके पास ये वन है, उसके बाद ये पाई है और ये टू पाई है, टू पाई पे दोबारा से वो ज़ीरो हो जाता है, पाई पे भी ज़ीरो होता है, और यहाँ पर आकर ये नेगेटिव वन आंसर देता है। अच्छा, अब हमने फाइंड करने हैं, अगर एरिया फाइंड करना है ज़ीरो से लेकर टू पाई तक, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे लिमिट्स को ज़ीरो से लेकर पाई तक, जहाँ पर जाकर ये ज़ीरो हो जाता है, और ये इसी तरह से साइन थीटा रहेगा, प्लस पाई से ही स्टार्ट करेंगे और टू पाई तक जाएंगे, ठीक है, इस तरह से इसको यानी कि हम ब्रेक करके इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसकी लिमिट है माइनस वन से लेकर फाइव तक की, और मॉड है एक्स माइनस थ्री का डी एक्स। अब इसमें आप लिमिट्स पुट करके देख सकते हैं, माइनस वन अगर पुट करें एक्स की जगह तो क्या होता है, माइनस वन, यहाँ पर आप साइड पे भी करके देख सकते हैं, माइनस वन माइनस थ्री, ये आता है माइनस फोर, नेगेटिव आंसर आया, ठीक है। माइनस टू पुट करके देखें, माइनस टू माइनस थ्री इज माइनस फोर, ठीक है, तब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई। अब माइनस थ्री पुट करके देखें, या बल्कि माइनस वन के बाद आपके पास कौन सी वैल्यू आती है, माइनस वन से हमने फाइव की तरफ जाना है, माइनस वन एक तो पुट करेंगे उसके बाद ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, माइनस वन पुट करें, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर आ गया, उसके बाद
माइनस बल्कि माइनस वन के बाद जीरो आप पुट करेंगे, जीरो माइनस थ्री तभी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है माइनस थ्री, उसके बाद वन पुट करें, वन माइनस थ्री इज माइनस टू तब भी नेगेटिव वैल्यू आई, वन के बाद टू पुट करें, टू पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, ठीक है। उसके बाद टू के बाद आप पुट करें, थ्री पुट करें अगर, थ्री माइनस थ्री तब जाके ये रिजल्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद थ्री के बाद क्या होगा, थ्री के बाद फोर अगर आप पुट करें, फोर माइनस थ्री तब रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइव पुट करें, फाइव माइनस थ्री तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मतलब कि ज़ीरो से पहले नेगेटिव है और ज़ीरो के बाद पॉजिटिव है। ज़ीरो से पहले कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक माइनस वन है, चलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, माइनस वन है, ज़ीरो है, वन है, टू है, ठीक है, ये ज़ीरो से पहले की वैल्यूज़ हैं। और ज़ीरो के बाद की लिमिटिंग वैल्यू कौन सी हैं, फोर फाइव, ठीक है, ये इन दोनों पे पॉजिटिव आंसर देता है। और ज़ीरो पे क्या आंसर देता है, ज़ीरो पे ये मतलब थ्री पे ये ज़ीरो हो जाता है। तो जो नेगेटिव है उनको हम अलहदा कर देते हैं, मतलब कि माइनस वन से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं हम, थ्री तक, थ्री पे ज़ीरो होता है ना, माइनस वन से थ्री पे, और प्लस कर देंगे थ्री से लेकर फाइव तक, यानी कि लास्ट हमारे पास अपर जो लिमिट है वो फाइव है। अब हम फंक्शन का क्या करें, एक्स माइनस थ्री फंक्शन है वैसे तो हमारे पास, मतलब कि ये माइनस वन से लेकर थ्री तक इस लिमिट पे नेगेटिव आंसर दे रहा है, मतलब हम इसको कह देते हैं माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, ठीक है। और थ्री से लेकर फाइव तक अगर आप देखें इस लिमिट पे कोई भी वैल्यू आप ले लें तो पॉजिटिव आंसर देता है, हम इसको एक्स माइनस थ्री इसी तरह ही लिख देंगे। मतलब जिसके लिए नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है उसके लिए हम नेगेटिव ऑफ फंक्शन लिख देते हैं, जिस लिमिट के लिए ये पॉजिटिव दे रहा है हम एज इट इज़ उसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है। और साथ में डी एक्स आ जाएगा, ये भी डी एक्स आ जाएगा। तो अब आगे हमने इसको सिर्फ सॉल्व ही करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि लिमिट माइनस वन से लेकर थ्री, और ये थ्री माइनस एक्स बन जाएगा डी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस थ्री से फाइव एक्स माइनस थ्री डी एक्स, आगे आपको सॉल्व करना है इसको आते हैं, ये सिर्फ पॉइंट समझाना था यहाँ पे, ठीक है। अब अच्छा, अब ज़्यादा मतलब के लिमिटिंग वैल्यूज ज़्यादा हो माइनस वन से या फिर माइनस फिफ्टी से लेकर पॉजिटिव नाइन्टी नाइन तक हो, तब आप क्या करेंगे, क्या हर एक वैल्यू चेक करेंगे किस पे नेगेटिव आ रहा है किस पे पॉजिटिव आ रहा है। आप ऐसे देख सकते हैं कि एक्स माइनस थ्री जो भी आपके पास फंक्शन है उसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, उससे आपको पता चल जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री पे जाके फंक्शन ज़ीरो हो जाता है, मतलब x हमारा जो फंक्शन है गिवन वो जीरो कहाँ पे होता है, इक्वल टू जीरो पुट करें, x की वैल्यू फाइंड कर लें, उस x की वैल्यू पे आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और उससे पहले की वैल्यूज पे एक आधी वैल्यू पे या एक या दो वैल्यूज पे चेक कर लें नेगेटिव आती है रिजल्ट आता है या पॉजिटिव आता है, ठीक है। उसके बाद की वैल्यू पे चेक कर लें नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, उस हवाले से आप जो है नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये था यानी कि एक डिफरेंट क्वेश्चन था, उसके अलावा इस तरह से भी मैंने आपको समझा दिया साइन का भी और इस ग्राफ का भी। तो हम यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, लेक्चर का टाइम भी ज़्यादा हो चुका है यानी कि पूरा हो चुका है। उसके अलावा इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन जो है सिर्फ यानी कि इंटीग्रेशन आपने फाइंड करनी है और लिमिट्स पुट करनी है, और उससे ज़्यादा कोई और चीज़ डिफरेंट नहीं मिली मुझे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।